नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉडल पेपर जो कि मिक्स क्वेश्चन का रहेगा, जो कि एक तरह से आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्रैश कोर्स हो सकता है, जिसमें कि आपके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे डेली के मॉडल पेपर पर। ठीक है, तो लास्ट तक देखना है और आप सभी को खुद से लास्ट तक अटेम्प्ट करते चलना है और सभी क्वेश्चन का आंसर करते चलना है और लास्ट में टोटल मार्क्स जरूर शेयर करें आप सभी के लिए। ठीक है, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा जिसको आंसर आपको करना है कमेंट में, और उस आंसर जो भी करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अनाउंस किया जाएगा कि किसने सही आंसर किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले शेयर कर देंगे आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है आपकी? केंद्र और जो राज्य संबंध है किस अनुसूची में है, यह है आपके नौवीं अनुसूची में। ठीक है, नौवीं अनुसूची में आपका उल्लेख है केंद्र और राज्य संबंध के बारे में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है आपके भारत में? तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 21 होगा। ठीक है, पर प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखें, वर्तमान समय में जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है आपके, वह है आपका 24। ठीक है, तो वर्तमान का याद रखिएगा, और अगर आपका 21 ऑप्शंस जिसमें से आपके 24 अगर नहीं मिलता है आपको ऑप्शंस, तो आपका 21 राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है आपके? किसके अंतर्गत आती है उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की जो शक्ति है आपके, यह आती है आपके संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी अधिकार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर, सेल कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था आपके सर्वप्रथम? तो यह दिया गया था आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1965। ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक 1965, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फाइव, कौन सी रचना जंतु कोशिका, एनिमल सेल, जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो कौन सी रचना है आपके जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है आपका? क्वेश्चन फाइव, सेंट्रियोल जो रचना है जो कि आपके जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सिक्स, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थित में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यदि आपका राइबोसोम जो होता है आपका राइबोसोम की यदि उपस्थित ना रहे तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सभी लोग आंसर करते चलेंगे लास्ट तक जितने क्वेश्चन आपके साथ हम करते चलें। ठीक है, सिक्स का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेवन देखिएगा, यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे, तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा आपके? क्वेश्चन सेवन, कौन सा कार्य नहीं होगा यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में जो कार्य नहीं होगा वह है आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एट, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, सेल पावर हाउस किसको कहा जाता है आपका? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है आपका माइटोकांड्रिया को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नाइन, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है आपका? बिग ओरिजिनल कौन सा है आपका सबसे बड़ा कोशिकांग? क्वेश्चन नाइन सबसे बड़ा जो कोशिकांग है आपका वह है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड है आपका सबसे बड़ा कोशिकांग। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नाइन का। नेक्स्ट देखें आपका क्वेश्चन टेन है,
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है आपका, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है आपका कोशिका में, राइबोसोम में होता है। ठीक है, आप सभी ने भी राइबोसोम ही किया होगा, तो राइबोसोम में होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 11, पादप कोशिकाओं प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है आपका पादप कोशिकाओं का, तो पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वह कहलाता है आपके कोशिका भित्ति, सेल वाल कहलाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कहलाती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 11 का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12, कोशिका सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका सेल को, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति आपके कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है आपका, कोशिका भित्ति, सेल वाल जो होता है आपका, जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका 14, कोशिका श्वसन सेल्युलर रेस्पिरेशन का सक्रिय स्थल है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है आपके लाइसोसोम, लाइसोसोम आपका जो है सक्रिय स्थल है आपका कोशिका श्वसन का, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं आपके अवर्णी लवक, अवर्णी लवक जो होते हैं आपके मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं आपके अवर्णी लवक, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवर्णी लवक किसमें पाए जाते हैं मुख्यतः आपके जड़ों की कोशिकाओं में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 16, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है आपके जो फूल होते हैं, बीज होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, तो कौन करता है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा जो आपके फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 16 का। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका को आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की जो आत्महत्या की थैली कहलाता है, सुसाइड पाउच ऑफ सेल, कौन कहलाता है आपकी कोशिका की आत्महत्या की थैली, तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली कहलाता है आपका वह है आपका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है आपका कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 17 का। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 18, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो उपस्थित महीन साखित छिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का जो घना जाल होता है क्या कहलाता है आपका, जो घना जाल होता है अनियमित नलिकाओं का, यह कहलाता है आपका अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका, अगर आपने किया ऑप्शन डी, वेरी गुड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन 19 का, 19 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 19 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 20, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है, वह आपका कौन सा एंजाइम है जो कि लाइसोसोम में पाया जाता है जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, वह एंजाइम है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट है आपका 21, 80% से अधिक जो आपके कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ, 80% से तो ज़्यादा आपके कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है आपका, 21 क्वेश्चन है आपका, कौन सा पाया जाता है, जल, जल पाया जाता है आपका 80% से अधिक।
ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका 21। नेक्स्ट है आपका 22 क्वेश्चन, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो किसने की थी आपके कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। डी ऑप्शन भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, डी ऑप्शन 2 और 4। ठीक है, अब करिए आप आंसर, सभी कोशिकाओं के बने हुए हैं सभी जीव, यह किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी आपके, तो यह की थी आपके स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने की थी, इसीलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने की थी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, किसकी उपस्थिति के कारण जो प्लांट सेल होते हैं पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है आपका पादप कोशिका एंड पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, क्वेश्चन 23। कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण ऐसा होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 24, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। 24, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है आपका, तो गाल्जी काय का जो प्रमुख कार्य होता है आपका स्त्रावी, स्ट्रॉइड होता है आपका गाल्जी काय का प्रमुख कार्य, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, कौन से कोशिकांग आपका जो कि डीएनए रखता है आपका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए कौन सा कोशिकांग रखता है आपका, तो यह है आपका जो राइट आंसर होगा आपका सेंट्रियोल। ठीक है, ऑप्शन डी सेंट्रियोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26, कौन सा कोशिकांग जो कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो कौन सा कोशिकांग है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम जो है आपके यह प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका 27, प्रोग्रामड सेल डेथ पीसीडी, पीसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, प्रोग्रामड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण, सेल एंड जो मॉलिक्यूलर कंट्रोल होता है क्या कहलाता है आपका, सेल एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका 27 की अगर हम बात करें आपके, तो एजिंग, ठीक है, एजिंग कहलाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, कौन सा अंगक जो कि प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है आपकी, एनिमल सेल में कौन सा अंगक जो कि प्रायः आपके उपस्थित नहीं होता है, तो वह होता है आपका लवक। ठीक है, लवक जो होता है आपका उपस्थित नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, लाइसोसोम कार्य करते हैं, लाइसोसोम कार्य करते हैं आपके 29, लाइसोसोम जो होते हैं आपके अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक है, अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन 30, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है आपके, कोशिका भित्ति आपके पारगम में, ठीक है, पारगम में होती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसके आंसर आप सभी को खुद से करना है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपका इसके आंसर बताया जाएगा, ठीक है, और किसने राइट किया है आपको ये भी बताया जाएगा। तो माइटोकांड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, आप सभी जरूर आंसर करें लास्ट क्वेश्चन का 31 का, आगे इसका आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आंसर बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मॉडल पेपर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।